मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ग्रामीण कार्यकर्ता बूथ कार्यकर्ताओं की एक बैठक भाजपा कार्यालय में ली गई। इंदौर लोकसभा सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता साल के 365 दिन तैयार रहता है, 24 घंटे तैयार रहते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ली गई। शंकर भैया, आज ग्रामीण की बैठक हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में ही तैयार नहीं रहती, वो 365 दिन 24/7 हमेशा जनता के बीच में रहती है और संगठन के कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। और उसी के अंतर्गत आज चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद जिले की ग्रामीण की बैठक हुई और इस बैठक में जो पार्टी संगठन ने जो हमें काम दिए करने काम उसके बारे में चर्चा हुई और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो हमारे हितग्राही है वहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र उनकी राम राम वहाँ पहुँचाना है और प्रत्येक बूथ पर 370 कमल बढ़ाना है, उस योजना को लेकर आज रणनीति बनी है। मुझे लगता है जिस प्रकार ग्रामीण में बहुत उत्साह है और हम देखते हैं ग्रामीण का वोट परसेंटेज शहरी क्षेत्र से भी ज्यादा होता है, तो ग्रामीण के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेतृत्व में उत्साह है और जनता में भी उत्साह है, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, हम ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी लीड से जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता है, ग्रामीण में अधिकतर पार्टी इतनी मजबूत ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण शहरी सब जगह है और माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ प्रत्येक को मिला है और उस योजनाओं का लाभ को हम लेकर प्रत्येक के घर घर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला उसके लिए मोदी जी के राम राम बोलेंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार का विकास की बात हम करने वाले हैं वो जनता तक ले जाएंगे। आए भैया स्वागत करने वाले। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।